हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैं आज ब्लॉगिंग में क्या दिखाती हूँ। तो हमारी वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। और चलिए मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ आज मैं क्या करने वाली हूँ, तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। और आज मैं जाने जा रही हूँ, मतलब कुछ तोरई की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो तरोई की सब्जी, यानी कि हमारे यहाँ तो तोरई बोलते हैं, पर बट मैं तो तरोई ही बोलती हूँ। तो ये आज भरमा तरोई बनानी है, तो मैं काट के चीर के नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे एक पीस काट के। और ये मैंने प्याज लहसुन ले लिया हुआ है, ग्राइंड कर लिया हुआ है इसको। और इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैं देखिए कैसे बनाती हूँ, आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए। तो ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है 2 चम्मच, और थोड़ी सी मिर्च डालूँ क्योंकि ज़्यादा तीखा हम लोग नहीं खाते हैं। तो ये देखिए, ये हम डालेंगे इसमें लगभग 2 चम्मच धनिया है, तो ये इसको मैं सब पूरा डाल दूंगी, इसमें धनिया भरना है मसाले में। तो और देखिए, ये मैं डालूंगी इसमें सौंफ, तो 1 चम्मच मैंने सौंफ डाली हुई है। और इसमें नमक पहले ही मैंने डाल दिया हुआ था। तो मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को मैं कैसे बनाती हूँ अपने भरवा भिंडी। मुझे भरवा नहीं है ऐसी अच्छी लगती है, तो इसको मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से सारा मसाला। और इसको मिक्स करने के बाद मैं देखिए क्या करती हूँ, इसमें अमचूर पाउडर थोड़ा सा डालना पड़ेगा मुझे, और अमचूर पाउडर भी ताकि वो खट्टी हो जाए ये सब्जी थोड़ी सी। तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा डाला, ये थोड़ा सा मैं इसको करूँगी हल्का सा, ताकि हमारा मसाला है ना इनमें अच्छी तरह से लिपट जाए। और मैं इसको ऐसे डाल दूंगी, इसी में ऐड कर दूंगी ये सारा मसाला। अब ये मसाले को ऐड करने के बाद मैं ऐसे इसको सारा मिक्स कर दूंगी। ऐसे मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद मैं कढ़ाई में इसको बनाऊंगी। तो कढ़ाई में ऑयल गरम करके और डायरेक्ट इसको मैं उसमें डाल दूंगी। डालने के बाद मैं ढक दूंगी इसको। तो मैंने अभी कढ़ाई में तेल डाल कर रखा नहीं हुआ है, तो मैं बस आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऑयल डाल के और बस इसको डाल देंगे, यानी कि सब्जी को छोंकना जिसको बोलते हैं, छोंक देंगे और बंद कर देंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ कुछ पकोड़े बेसन के। तो मैंने ये धनिया और ये मिर्च प्याज लिया, और कैसे बनाती हूँ पकोड़े वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिएगा चैनल पे, जो नए आए हों वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैंने बनाए पकोड़े, जैसे मैंने बताया होता इस पकोड़े में अगर लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा मिला लूँ ना बेसन के, तो बहुत अच्छे बनते। तो इसमें बट बेसन पूरा नहीं है, मैंने आटे को भी मिलाया हुआ है थोड़ा सा, इससे करारे बनते हैं हमारे ये पकोड़े। तो ये हमारी चाय है, आप लोग भी चाय पीजिए, पकोड़े खाइए, और हम भी खाते हैं, और आप भी हमारे साथ खाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे खीरे के छिलके हैं, तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, ये मैंने छील के रख लिए हुए हैं। तो इनको छीलने के बाद मैं इनका क्या करूँगी, इनको ग्राइंडर में पीस लूँगी। पीसने के बाद इसका क्या करूँगी, जो पेस्ट पेस्ट बनाऊँगी, पेस्ट बनाने के बाद मैं अपने चेहरे पे लगाऊँगी। तो चेहरे में जो आपके काले झाइयाँ या दाग धब्बे हो जाते हैं, उससे ये ठीक हो जाते हैं। खीरा भी लगाते हैं और इनके छिलके भी बहुत मतलब फ़ायदेमंद है। तो ये हम अपनी कोने हैं, जो पैरों के घुटने हैं, एड़ी जो काले हो जाते हैं, उस जगह पे आप रख इनका पेस्ट बनाकर लगाइएगा तो बहुत अच्छा। और ये पेड़ों में इसको सुखाकर इसकी खाद भी बनाकर हम लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। सुखा लें इनको छिलकों को, कोई भी छिलके हों किसी के भी, सब मिक्स करके और इनको पीस के और आप अपने पेड़ों में डाल दीजिए, तो ये खाद का रूप हो जाता है। तो इनको भी मैं नहीं फेंकती हूँ। तो चलिए हमारी वीडियो में बने रहिए।
फ्रेंड्स, मुझे अपने जीवन का अनुभव इन पत्तियों से होता है, क्योंकि जब मैं ये हरी भरी पत्तियों के पास मैं मॉर्निंग में बैठती हूँ, यहीं पर मैं योगा करती हूँ इसी के पास बैठकर, तो ये दिल को सुकून मिलता है मुझे। तो ये इसको मैं सुबह सुबह जगकर हरी भरी थोड़ी 10 मिनट 5 मिनट में खड़ी होती हूँ इसको देखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी है, ये देखिए इसकी मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, कहीं से मतलब जरा सी कमी आती मैं उसी जगह इसको सही करती हूँ। तो ये एक मेरे जीवन का अनुभव है, क्योंकि मैं इसी जगह बैठकर योगा करती हूँ और 10-5 मिनट ज़रूर मैं बैठती हूँ, इनको मैं देखती हूँ। तो जब मैं इनको देखती हूँ ना, ये देखिए जब मैं इनको देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी आँखों में बड़ा सुकून मिलता है इनको देखकर हरा भरा। तो फ्रेंड्स ये मेरी तुलसी है, तो ये मैं तुलसी के पास ही बैठती हूँ और सुबह खड़े होकर मैं तुलसी को ज़रूर प्रणाम करती हूँ। तो जब ये अनुभव होता है ना मुझे कि अरे नहीं सुकून है तो हरे भरे में, तो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जब हम हरे भरे में कहीं पे जाते हैं तो सही बात दिल खुश हो जाता है। वही एक मैंने भी अपने दिल को मतलब दिल में एक आभास किया कि मैं इन पत्तियों को और इन टहनियों को देखकर दिल में बड़ा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स से अब मैं अपने यहाँ का मौसम भी आपको दिखाती हूँ। चलिए इसको मैं हमेशा वीडियो में दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये देखने में। इसको मैं ऐसे जैसे बच्चे की सेवा नहीं की जाती, वैसे ही मैं इसकी सेवा कर रही हूँ डेली रात दिन। इसको शाम को मैं ज़रूर देख के सोती हूँ, देखती हूँ कहाँ किसकी पत्तियाँ कहाँ गई, यहाँ तक पहुँच गई। अब मैंने ये यहाँ पर तार लगा दिया हुआ है, तो ये तार के सहारे ये दीवार पर ऐसे ऐसे चलती जाएगी और वहाँ तक पहुँच जाएगी दीवार तक। तो जब यहाँ तक ये हरा भरा सब हो जाएगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो फ्रेंड्स आज थोड़ा मौसम भी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो आज मौसम भी कुछ ऐसे ही है, सूर्य भगवान निकल चुके हैं थोड़े थोड़े, और ये देखिए आँख मिचौली कर रहे हैं सूर्य भगवान भी। तो आपको गिलहरी की आवाज़ आ रही हुई, हमारे यहाँ गिलहरियाँ बहुत है। मैं दीवार में यहाँ पे सब दाना वगैरह डाल देती हूँ ना, ये देखिए डिब्बा हमारा कितना पूरा फुल भर गया पानी से। तो यहाँ पे मैं गिलहरी आती है और खाना लेके अपना चली जाती है यहाँ से। तो अपने जीवन का अनुभव एक मैंने इन पत्तियों से किया मॉर्निंग में, और मैं शाम को भी करती हूँ और सुबह भी करती हूँ। अपने जीवन का अनुभव हरे भरे में क्या सुकून है। यदि हमारा यहाँ सब कच्चा होता ना, तो मैं पूरे में बागवानी करती। और ये तो मैंने बस इतना कर दिया, क्योंकि ये पट्टियाँ बिछी हुई हैं, अभी पीछे सब बनना हुआ है ना मकान, मतलब पुराना पड़ा हुआ है तो ये बनेगा, तो इसलिए फिर यहाँ पे कुछ मैंने अभी किया नहीं हुआ है। और फिर देखते हैं भगवान मालिक कब बनता है क्या होता है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें भी फिर मिट्टी डाल के बरसात आएगी तो जब तक यहाँ भी कुछ पौधे लगा दूँ छोटे मोटे, कुछ नहीं तो मैं तुलसी के ही पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि तुलसी ज़्यादा अधिक लगाने से बहुत अच्छा एक सुकून मिलता है। और इस तुलसी की भी सेवा मैं करती हूँ डेली, मैं तुलसी मैया को डेली दिखाती हूँ मैं वीडियो में। शायद मेरी वीडियो कभी कभी चूक होती होगी, लेकिन मैं ये एक मैंने मंजरी इसमें छोड़ दी, इसमें लगी हुई थी मंजरियाँ, मैंने तोड़ दी इनको और इसमें डाल दी। और ये देखिए पुदीना की पत्तियाँ भी निकल रही हैं, ये देखिए पुदीना की पत्तियाँ भी निकल रही हैं।